जब भी कोई हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आता है, दैट इज़ 498A। सबसे पहले FIR दर्ज करो 498A को लेकर के। तो यहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अचिन कुमार गुप्ता, जो लेटेस्ट केस है, और इसी के साथ ही साथ कुछ और भी केसेस है जहाँ पर कोर्ट ये खुद एक्सप्लेन करके बोल रहे कि छोटा छोटा चीज़ों को लंबा खींच करके एक ऐसा कुछ मत बनाइए जो झगड़ा को बाद में चल करके सही ही ना किया जा सके। तो ऐसा चीज़ करने से पार्टीज को बचना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसा लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस डिस्कस करूंगी, एक कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में। अब ये कूलिंग ऑफ पीरियड ना किसी का रिश्ता बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो क्या है ये कूलिंग ऑफ पीरियड, जानेंगे इस वीडियो में। और यही ग्राउंड के ऊपर बेस करके आप कोर्ट से डाइवोर्स मांग सकते हो। आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट आपको इमीडिएटली डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। तो क्या है ये सारा का सारा हिसाब किताब, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों को कानूनी जागरूक बनने में आप जरा मदद कीजिए। तो केस का नाम है शिल्पर साइलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। तो हुआ क्या था, देखिए दोस्तों। तो ये केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स ग्रांट कर रहे हैं। कई केसेस में देखा जाता है हस्बैंड एंड वाइफ शादी होने के बाद लंबा अरसों बीत गया है, साथ में रहे ही नहीं है। 1 महीना, वो भी बहुत मुश्किल से एक साथ में गुजारे हैं, फिर 20 साल 22 साल हो गया है, हस्बैंड एंड वाइफ साथ में नहीं रहे। अभी ऐसे केसेस पर देखा जाता है शादी एब्सोल्युटली खत्म हो चुका होता है। अगर इन लोगों को बोला जाए आप ये कूलिंग ऑफ पीरियड ऑब्जर्व करो, तो क्या ये सही चीज होगा? भी कपल्स होते हैं जो लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग को झमेला पर नहीं जाना है, आपस में मैटर को म्यूचुअली सेटल करते हुए म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं। दैट इज सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये बहुत ही चर्चित सेक्शन है। 2 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी जो कि है कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में। तो उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका एक ऑनगोइंग केस है, मतलब आपके घर में कोर्ट केस चल रहा है डाइवोर्स रिलेटेड, आप चाहते हो म्यूचुअल डाइवोर्स। कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है अगर मियाँ और बीवी राजी है, आपस की रजामंदी से वो लोग डाइवोर्स ले सकते हैं। दैट इज म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। ये सेक्शन में डाइवोर्स अप्लाई करने के लिए निर्धारित समय काल के बारे में यहाँ पर बोला गया है। 2 मोशन आपको फॉलो करना पड़ता है, फर्स्ट मोशन एंड सेकेंड मोशन। सबसे पहले मिनिमम समय दिया गया है 6 महीना और मैक्सिमम दिया गया है 18 महीना। जरा उदाहरण से समझे। सपोज एक कपल डाइवोर्स फाइल करे है जनवरी 1, 2024 और यही पर्टिकुलर डेट से 6 महीना हो जाएगा 1 जुलाई 2024 तक। ये 6 महीना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसको ही फर्स्ट मोशन कहा जाएगा। आपस में अगर सुधार कोई आ जाता है तो आप डिसाइड कर सकते हो नहीं हम लोग फिर से एक साथ रहना चाहते तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हम लोग नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर इसके बाद यानी कि 1 जुलाई के बाद ही जाकर ही आप सेकेंड मोशन डाल सकते हो। मैक्सिमम क्या होगा, जो कि होगा 18 महीना लेटर। अभी लास्ट डेट फॉर सेकेंड मोशन, तो 1 जनवरी 2024 से 18 महीना होता है 30 जून 2025 को। तो इसका मतलब आप सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हो ये टाइम पीरियड के अंदर। तो इसका मतलब यही है सेकेंड मोशन आपको ये डेट के अंदर ही फाइल करना है। दे मस्ट फाइल द सेकेंड मोशन बाय दिस डेट। तो ये जरा आपको ध्यान में रखना है। आप लोग 1 जुलाई 2024 से पहले सेकेंड मोशन के लिए नहीं जा सकते हो। इसी के साथ सेकेंड मोशन आपको फाइल करना ही करना है जून 30, 2025 के अंदर, नहीं तो पूरा प्रोसेस लैप्स हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया है। तो मुद्दा यहाँ पर एक ही है, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में मैं आपको समझाई, यही टाइम पीरियड आपको दिया जाता है ताकि ये जो हार्ड डिसीजन है डाइवोर्स लेना है कि नहीं है, आपस का जो मन मटाव है इसको मिटाने के लिए ये टाइम दिया जाता है। डाइवोर्स को बेसिकली फाइनलाइज करना है या फिर नहीं है यह भी समझ में आ जाता है तब तक पार्टियों को। और कुछ केसेस में दोस्तों यही कूलिंग ऑफ पीरियड एक फांसी का फंदा बन जाता है। किस तरीके से पार्टीज के बीच में लड़ाई इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि रिकंसिलिएशन का कोई मौका ही नहीं बचता है, एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करने लगते हैं। तो यही चीज़ को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड कुछ कुछ केसेस में हम लोग कैंसिल करके स्ट्रेट अवे डाइवोर्स ग्रैंड कर सकते हैं। यहीं पर कोर्ट बोल रहे हैं कि जहां पर सिचुएशन बद से बदतर हो गया है वहां पर कूलिंग ऑफ पीरियड को किया जाएगा खारिज और डाइवोर्स को किया जाएगा ग्रैंड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को भी कोर्ट के सामने कुछ कुछ चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट अमरदीप सिंह का जो केस है जहाँ पर ये सारा का सारा क्वेश्चंस को देखा गया, अंडर सेक्शन 13B क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कानून के अंदर ये जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड के बारे में बोला गया है ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फर्स्ट मोशन से पहले सारा का सारा मीडिएशन करने का, सेटलमेंट करने का जो प्रयास है फेल कर गया है। पार्टीज के बीच में जो जेन्युइन सारा का सारा प्रॉब्लम हुआ करता था, बच्चे का कस्टडी को लेकर के, एलिमनी को लेकर के, या फिर और जो अलग अलग पेंडिंग मैटर्स है उसको सुलझा लिया गया है, तो वहां पर हो सकता है। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, अगर इन लोगों को साथ में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा और ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीना और 18 महीना का समय पालन करने की बात किया जाएगा तो आपस का मनमुटाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक प्रोलॉन्ग एगनी यानी कि मेंटल पेन ही कॉज करेगा। यही सब केसेस पर कोर्ट ये सारे का सारा फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये टाइम पीरियड को खत्म कर सकते हैं। यहीं पर अमरदीप सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेनली ये सारा क्वेश्चन, शादी हुए कितना वक्त हो चुका है, कितने दिन से कोर्ट केसेस चल रहा है, कितना दिन हो गया है अलग रहते हुए, और कोई अलग प्रोसीडिंग्स चल रहा है या फिर नहीं, पार्टीज के बीच में मीडिएशन या फिर कंसिलिएशन करवाने की कोशिश की गई थी या फिर नहीं, जेन्युइन सेटलमेंट हुआ है बच्चों को लेकर के, एलिमनी को लेकर के, तो ये सब चीज को कंसिडर करते हुए यहाँ पर एब्सोल्युटली स्ट्रेट अवे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया था। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर आपके केसेस पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप ये सारा का सारा चीजों को जरा कंसिडर कीजिए। शादी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, समय काल ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मैटर चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी आप ये प्रेसिडेंट के बारे में, ये जजमेंट के बारे में जरूर बता सकते हो। फिर ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फैमिली कोर्ट ये टाइम पीरियड को वेव्ड कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट कह सकते हैं कि ये समय काल को ऑब्जर्व करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पर पूछिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।